दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक्स मनाना यूट्यूब चैनल में, और आज के इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं कि सैमसंग का जो 2022 का जो मॉडल है या ओल्ड मॉडल है, कोई भी सिक्योरिटी है, ठीक है, अभी तो उसको बहुत ही आसानी से आप जो है अनलॉक कर सकते हैं अनलॉक टूल से, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं मेरे हाथ में एक मोबाइल है और इस मोबाइल के अंदर में FRP लॉक है और इसे अनलॉक करना है, तो बहुत ही आसानी से ये मोबाइल जो है अनलॉक टूल से अनलॉक होगा। तो वीडियो को अंत तक देखें, लास्ट तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि इस मोबाइल के अंदर में जो है FRP लॉक, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि स्कीप का ऑप्शन जो है यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो चलिए आप इस मोबाइल को हम यहाँ पर करेंगे बैक और दिखाते हैं आपको किस तरह से आपको इसे अनलॉक करना है अनलॉक टूल से। तो 2022 का कोई भी मॉडल रहेगा आपके पास, चाहे A51 रहे, A50 रहे, A20 रहे, 30 रहे, सबको आप अनलॉक बहुत ही आसानी से वन क्लिक में कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले कि सैमसंग का जो लेटेस्ट ड्राइवर है, बिल्कुल लेटेस्ट ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए आपके कंप्यूटर में, ठीक है, तभी वर्क करेगा। अगर आप ओल्ड वर्जन ड्राइवर सैमसंग का अगर इंस्टॉल करके रखे हैं अपने कंप्यूटर में तो फिर ये जो है वर्क नहीं करेगा। तो लेटेस्ट वर्जन जो सैमसंग USB ड्राइवर है उसे आपको इंस्टॉल करना है। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे आपको करना क्या है, किसका ADB इनेबल करने के लिए। ये मोबाइल जो ADB मोड में अनलॉक होगा, तो ADB इनेबल करने के लिए आपको यहाँ पर मोबाइल के जो इमरजेंसी कॉल वाला जो बटन होता है उसमें आपको टाइप करना है *#*#, फिर से सुनिए आप *#*#, इतना आपको टाइप करना है। ये ऑप्शन जो आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पर, इस तरह का ऑप्शन जो है आपके मोबाइल पर आ जाएगा। उसके बाद आपको आना है टूल में, अनलॉक टूल में आना है आपको, यहाँ पर सैमसंग में आना है। चलिए ये मैंने सैमसंग पे क्लिक कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलता है, सिक्योरिटी पे आपको क्लिक करना है। सामने देख रहे हैं यहाँ पे सिक्योरिटी, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है आपका फंक्शन जो है बीच वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप कॉम रिमूव FRP 2022 इस पर क्लिक कर देना है। तो कुछ मॉडल को ये डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है ये अनलॉक कर देगा, ठीक है। यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा आपको, ओल्ड वर्जन, ओल्ड मेथड और न्यू मेथड, ठीक है। तो न्यू पे, अगर न्यू सिक्योरिटी है तो न्यू पे ट्राई करिए। उसके बाद यहाँ पे आपके मोबाइल पे किस ऑप्शन आएगा, अलाउ करने का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको यस करना है, ठीक है। यहाँ पे यस करेंगे ये ऑटोमेटिकली यहीं से अनलॉक कर देगा। अगर कुछ मॉडल को अगर यहाँ से अनलॉक नहीं भी करता है तो ये आपका जो यहाँ पे अलाउ करने पर ADB इनेबल हो जाएगा। उसके बाद नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है इरेज FRP ADB मोड, वहाँ से भी आप अनलॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं ये मोबाइल जो बहुत ही आसानी से अनलॉक हो गया, डायरेक्टली इसी ऑप्शन से अनलॉक हो गया। लेकिन ये ऑप्शन जो है मेन है आपका ADB इनेबल करने के लिए। अगर यहाँ से ADB इनेबल होता और यहाँ से अनलॉक डायरेक्टली नहीं करता है, यहाँ पे अलाउ का ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आता है, ठीक है, तो अलाउ यहाँ से कर दीजिए मोबाइल के, तो ADB तो इनेबल हो ही जाएगा। उसके बाद नीचे में ऑप्शन मिलता है आपका पासकोड का, उसके बाद FRP का, तो ADB FRP पे क्लिक करेंगे आसानी से FRP अनलॉक हो जाएगा। किसी मॉडल में अगर नहीं हुआ तो उस ऑप्शन को यूज करना होगा। ये ऑप्शन जो है ADB इनेबल करने के लिए है और कुछ मॉडल को डायरेक्टली अनलॉक करने के लिए है, ठीक है। तो पहले ये ADB इनेबल करेगा और मोबाइल के स्क्रीन पर लिखा हुआ आएगा अलाउ, उसको आपको चेक करके ओके करना है, ठीक है। तो ये मोबाइल का जो FRP जो है अनलॉक हो चुका है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप पर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।